पंजाबी स्टडी पॉइंट 63 वेख रहे सारे ही व्यूअर्स का इस चैनल पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। मैं अमरजीत कौर अगली वीडियो लैके आप जी के सामने पेश हैगी। इस वीडियो में आपां पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के बीए के पांचवें सेमेस्टर की जो लाजमी पंजाबी की पाठ्यपुस्तक है मध्यकाली पंजाबी काव्य, इस विच दर्ज कवि शेख फरीद जी दे श्लोक आपां पढ़ने हैगे ने। इस तो पहला आपां दो शब्द ने उन्हां दी व्याख्या पढ़ चुके हैगे। तो इन्हां श्लोकां दे विच शेख फरीद जी ने दस्या है कि जिहड़ा संसार नाशवान है, मौत अटल सच्चाई है, तो मनुख दे मन दे विच परमात्मा दे मिलाप की तड़प होनी चाहीदी है, गुरु की उसनू बहुत लोड़ है, चंगे काम करने चाहिए ने, तो इस तरह शुभ गुणा की महत्ता बारे उन्होंने दस्या है। अपना पहला ही पढ़िया सीगा भी जिहड़े शेख फरीद जी ने एक महान सूफी कवि ने, तो उन्हों का जन्म 1173 ईस्वी के होया, तो उन्हों का देहांत 1266 ईस्वी के होया, तो उन्हों के 112 श्लोक अते 4 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्ज हैगे ने। तो आप श्लोक पढ़ने हैगे ने। तो पहला श्लोक है जो फरीदा जिन लोयण जग मोहया से लोयण मैं डिठ कजल रेख ना सहदया से पंखी सूई बहिठ। जिन जड़ियाँ लोयण अखा जग संसार मोहया प्रभावित किया डिठ देखिया कजल सुरमा सहदया सहन करना रेख हुंदा रेखा वैसे है ना, ते से उन्हें पंखी पंछी सूई बच्चे देना बैठ बैठे ने। ता शेख फरीद जी ने इस श्लोक दे विच दस्या है कि जिहड़ा मनुख है अपने जीवन दे विच जेकर उसनू सुंदरता मिलती है जां पदार्थिक सुख प्राप्त हुंदे ने तां उन्हां ते बड़ा ही माण करता है, ते उह समझाउंदे ने कि जिहड़ा मनुख जिहड़ा जीवन है इह नाशवान है, इहने अंत नूं खत्म हो जाणा है। जिवें कि उदाहरण दिंदे ने कि उह अखां जिन्हां ने सारा संसार अपने जीवन दे विच मोह लिया सी, सोहनी चीज़ नूं देख के सारे प्रभावित हुंदे ने भी वह अखां बड़ियां सोहनियां सीगियां, जिन्हां नूं वेख के सारा संसार प्रभावित हुंदा सी उहनां अखां दा हाल फिर मैं उसकी मौत तो पिछों देखिया है। जीव की मौत तो बाद वह अखा जिहड़ियां सब नूं प्रभावित करदियां सी उहनां अखां दा की हाल होया, कहिंदा वह अखां जिहड़ियां जिउंदे समें कदे जिहड़ा है गजला है वह मोटा रह गया। पुराने समय की गल करते हैं कि जदों जिहड़ा कजला है सुरमा है वह घर पीस के बनाया जाता सी, तो किसी टाइम वह चंगी तरह ना पीस जाए मोटा रह जाए तो फिर अखा च पावे तो फिर अखा सहदिया नहीं तकलीफ मानदिया ने, भी वह अखा जिहड़ियां कजले की धारी सुरमे की धारी भी सहन नहीं सन करदियां इन्निया नाजुक सन पर सोहनिया सीगियां सारा संसार उस तो प्रभावित सीगा, पर वह मौत तो बाद की होया उस दे विच पंछियां ने बच्चे दिते भाव उसनू एक आलणे की तरह वरतन लग पे। कहने का भाव की है संसार नाशवान है, सुंदरता है जां कोई पदार्थिक चीज़ा ने साडे नाल नहीं रहिंदियां, उसका जिहड़ा कि बहुता महत्व नहीं, इसलिए मनुख नूं संसार विच रहिंदियां कोई बहुता माण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है फरीदा खाक ना निंदी है खाकू जेड़ ना होए जीव दियां पैरां तलै मोयां उपर होए। तो फरीद जी कहते हैं भी मनुख को जिहड़ा है निर्माणता दे नाल अपना जीवन बिताना चाहिए है, निर्माणता किवें भी अपने निमरता वाला गुण धारण करना चाहिए किवें, कहते आपां जिहड़ी मिट्टी है खाक मिट्टी हुंदी है जेड़ उहदे वर्गा भी उहदी निंदिया नहीं करनी चाहिए, सानूं मिट्टी की निंदिया नहीं करनी चाहिए क्योंकि इहदे वर्गा महान तो कोई हो ही नहीं सकता, किवें जीव दियां पैरां तलै मोयां उपर होए, तो मिट्टी है जिउंदे हुए सारे जीवां खड़ोण बहन की जगह दिंदी है भाव धरातल दिंदी है, धरती ते हरेक जीव चलता है रहिंदा है बसेरा करता है, तो फिर मोयां उपर होए जदों कोई भी जीव मर जाता है फिर उसका जिहड़ा मुरदा शरीर है उसनू वेह ढकदी है उहदे उपर जिहड़ा है बिछदी हैगी है तो उसका परदा कजदी हैगी है, इसलिए जिहड़ी मिट्टी है उहदे वर्गा तां कोई भी
निर्माण नहीं, पर वह बहुत ही महान है। सानू कदी उहदी निंदिया नहीं करनी चाहीदी ते जिंदगी दे विच कोशिश करनी चाहीदी है कि निम्रता वाला गुण धारण करिए। अजन सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए, जाए पुछे डुहागणी तुम क्यों रहण बिहाए। तो इन लाइनों के जोड़ा है श्लोक के शेख फरीद जी ने समझाया है कि जीव स्त्री का जोड़ा है जीवन है असल में तो परमात्मा की प्राप्ति होंगी हैगी कि उसनों जोड़ा है हर समय परमात्मा का सिमरन करना चाहिए है, वो जुड़े रहना चाहिए है। जिमें एक जीव स्त्री वो कहती है अजन सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए। जीव स्त्री कहती है मैं अज अपने पति दे कोल नहीं सुती तो मेरे जोड़े शरीर में अच भी लगी पई हैगी ते जाए पुछो डुहागणी तुम क्यों रहण बिहाए। डुहागणी की हुंदी है विधवा स्त्री या फिर वो स्त्री जिसनों उसके पति ने छड़ दिता है। पुछो पुछ लवो रहण रात बिहाए बताई है। कहिंदा भी उस जीव स्त्री नूं पुछ के देखो, उस स्त्री नूं पुछो जिसनों उसके पति ने छड़ दिता है या फिर वह विधवा हैगी आ, वह अपने पति तो बगैर रातां किवें गुजारदी हैगी आ। भाव जीव स्त्री नूं हमेशा परमात्मा दे नाम दे नाल जुड़े रहना चाहिए है। तो यह वाला श्लोक है यह आदि ग्रंथ के पन्ना 1379 के उत्ते दर्ज है। ध्यान रखना है क्योंकि तुहानू वस्तुनिष्ठ प्रश्न ने जो संखेप प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न ने इदा का प्रश्न आ सकता है। अगला श्लोक है फरीदा कोठे मंडप माड़िया उसारे देवी गए। हुण की कहिंदे हैगे ने जिहड़ा मनुख है वह अपने जीवन के बहुत सारे जिहड़ा है आउंदा तो कहिंदे मिलदा तो है संसारक जीवें, इस लई भी वह इस जीवन के परमात्मा का सिमरन करेगा, इस वादे के नाल उसनू जीव मनुखी जीवन प्राप्त होंदा है। पर वह करता की है कोठे मंडप माड़िया उसार देवी गए, वह सारा जीवन कोठे मंडप माड़िया उसारन दे विच ही गुजार दिंदा है। भाव पदार्थिक सुख घर महल माड़ियाँ बंगले उसारदा रहिंदा है, इन चीज़ों कट्ठिया करता रहिंदा है। तो फिर शेख फरीद जी की कहिंदे ने भी ये किहड़ा सौदा है, कूड़ा सौदा, कूड़ा हुंदा झूठ दा सौदा वपार गोरी कवर। तो फिर कहिंदे हैगे ने शेख फरीद जी भी अजिहे मनुख ने अजिहे जीव ने वह अपने इस जीवन के झूठ का वपार ही करते रहते हैं ते फिर अंत नूं ओह कवरां दे विच जा के पै जांदे ने। भाव ओह इस जीवन दे विच सच दा वपार है जो परमात्मा दा सिमरन करना है उसनूं छड्ड के झूठ दे वपार दे विच कोठे महल माड़ियां उसारदे जां पदार्थक चीज़ां इकट्ठे करदे ही अपना जीवन लंघा दिंदे हैगे ने। भाव मनुख नूं अजिहा नहीं करना चाहीदा सगों सच दा वपार भाव परमात्मा दा सिमरन करन दे विच समां लाउणा चाहीदा है। अगला श्लोक है फरीदा कन्न मसला सूफ गल दिल काती गुड़वात बाहर दिसै चानना दिल अंधारी रात। हुण इन्हां लाइनां दे विच शेख फरीद जी ने दस्या हैगा भी जिहड़ा दिखावे दा धार्मिक पखंड है वह बहुत ही चंगी चीज़ नहीं हैगी। किवें जिवें कहिंदे हैगे ने भी एक मुसलमान लई जरूरी मन्निया जांदा है भी उह पंज नमाज़ां पढ़े दिन दे विच, तां उह नमाज़ां जिहड़ियां हैगियां ने पढ़न दे लई जेकर कोई व्यक्ति कहिंदा कन्न मसला, कन्न दा मतलब है मोढा, मसला दा अर्थ हुंदा है कि कोई भी वह आसन चाहे वह चटाई हो सकती है चाहे कोई कपड़ा हो सकता है जिस दे उत्ते बैठ के उस व्यक्ति ने नमाज़ पढ़नी है। सूफ गड़, गड़ मतलब पहरावा, वो पहरावा पाया है सूफ का बनया हो, दिल काती दिल दे विच उहदी छुरी होवे, गुड़ वात गुड़ हुंदा मिठा, वात दा मतलब गल्लां, भाव उहदे दिल दे विच छुरी होवे पर वह गल्लां गुड़ वर्गियां मिठियां करता हो, मतलब की है भी वह दिखावे का जीवन की है भी भाई मसला मोटे ते रखा हुआ है गल दे विच काले कपड़े पहने हुए ने पर उहदे दिल दे विच चोर है, जिहनूं आपां कहने आ भई बगल विच छुरी मूँह विच राम राम कहने आपां। तां अजिहे मनुख की हुंदे ने उहनां दिल दे विच छुरी हुंदी है ते गल्लां उह गुड़ नालों भी मिठियां करदे ने पर असल विच उहनां दिल खोटे हुंदे ने। तो शेख फरीद जी कहिंदे ने भी अजिहा फिर दिखावे का धार्मिक जीवन है यह चंगा नहीं हुंदा, इहनूं जिहड़ा परमात्मा की दरगाह दे विच प्रवानिया नहीं जाता तो फिर अजिहा व्यक्ति किहदे वर्गा हुंदा है, बाहर दिसै चानना दिल अंधारी रात। अजिहे व्यक्ति ने जिहड़े उन्हां दा दिल दे अंदर तो अंधारी रात, अंधारी रात हुंदी हनेरी रात जिहनूं आपां मस्या दी रात कहिंदे आ, जदों हनेरा ही हनेरा हुंदा सारे पासे, उस दिल अंदर तो मस्या दी रात वर्गा हनेरा छाया हुंदा है, बाहर दिसे चानना ते बाहर वो लोगों इउं दिखाउंदा है भी उसके अंदर तो चानण ही चानण है, प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही ज्ञान है।
ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1380 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਖੇਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਫੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚੱਕਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਦ ਦਰਵੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਚੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ, ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਲਾਹੇ ਲਾਹ ਦਿਓ ਭਰਾਂਦ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ, ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਲੋੜੀਏ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਜੀਰਾਂਦ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਗਰਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦਈਏ ਕੱਟ ਦਈਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਪੁੰਗਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੀਰਾਂਦ ਹੈ, ਜੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਊਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਧਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 1381 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਲਣਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ, ਉਜੂ ਸਾਜ, ਸਾਜ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਜਣਾ, ਉਜੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥ ਦੋ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਅਤੇ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ, ਸੁਬਹਾ ਉੱਠ, ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਨਾ ਨਿਵੇ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ ਉਧਾਰ। ਸਾਈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਪ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ, ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਫਰੀਦਾ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨਿਦਰਾਵਲੇ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਣ ਕੁਆਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਕਥੂਰੀ ਵੰਡੀ, ਕਥੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਸਤੂਰੀ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਵਸਤੂ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਉ, ਭਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਣ ਨੈਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਿੰਦਰਾਵਲੇ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੁਆਓ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੁਣ, ਭਾਵ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਭਾਉ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ
नहीं हुंदा। ते जड़ियां अखां नींद नाल भरियां रहिंदियां ने उन्हां नूं फिर परमात्मे दे नाम रूपी कस्तूरी किवें मिल सकती है, किवें यह खुशी जां यह चंगा गुण प्राप्त हो सकता है। आप सवार है मैं मिले, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। तो जिवें आपां इहदे विच कह दे हैगे आ वी परमात्मा दा नाम लओ तां सारे कारज रास कर दिंदा हैगा, तां फिर इहदे विच परमात्मा मनुख नूं जिहड़ा है धार जिहड़ा है धीरज दिंदा है, कहिंदा है आप सवार है मैं मिले, ऐ मनुख तू अपने आप नूं सवार लै, चंगे गुणां दे नाल शिंगार लै, फिर तू मैनूं मिल सकदा, मैं मिले मैनूं मिलण लई अपने आप नूं शिंगार लै, भाव गुणां दे नाल शिंगार लै, ते फिर मैं मिलिया सुख हो जे मैं तैनूं मिल गया, फिर तू सारे सुख प्राप्त कर सकदा है। फरीदा जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए। तो इस तरह जेकर मनुख है परमात्मा दा हो जाता है तां फिर सारा संसार भी उसका हो जाता है, भाव उसनू सारे संसारक सुखों की प्राप्ति हो सकती हैगी है। तो ये जिहड़ा श्लोक है यह आदि ग्रंथ के पन्ना नंबर 1382 दर्ज है। अगला जिहड़ा श्लोक है, फरीदा दरिया वै कन्ने बगला बैठा केल करे, केल करेंदे हंजनों अचिंते बाज पए। तो इन्हां लाइनों के शेख जी ने समझाया है कि मौत जिहड़ी है वह अटल सच्चाई है, तो मनुख किसी को भी नहीं पता वह कदों आनी हैगी आ। जिवें आम कहा जाता है भी जीव का जिहड़ा है जन्म समय ही उसका मौत का समा निश्चित हुंदा हैगा। तो की है जिहड़ा जीव है वह संसार दे विच अपने कम्मां कारां दे विच उलझिया हुंदा है, उसनूं याद ही नहीं हुंदा भी मेरी मौत भी आनी हैगी है। किवें फरीदा दरिया वै कन्ने बगला, कहिंदा जिवें दरिया दे कंडे, दरिया वै दरिया दे कंडे, कन्ने कंडे बगला बैठा हैगा, केल करे खेडां खेडदा है अपने जिहड़े है कलोलां दे विच मस्त हुंदा हैगा। ते केल करेंदे हंज नूं अचिंते बाज पए, केल करेंदे खेडां खेडदे हो खेड रिहा सीगा, हंज मतलब कि हंस वर्गा बगला, अचिंते अचनचेत हुंदा इहदा मतलब बाज भाव यमदूत। तां अजिहे बगले नूं अचनचेत ही मौत दे जिहड़े हैगे ने बाज झपट पैंदे ने, भाव उसकी मौत आ जाती है। बाज पए ते रब दे केलां विसरियां, फिर जदों रब दे भेजे हुए बाज भाव जमदूत उहनूं झपट पैंदे ने तां फिर केलां विसरियां, विसरियां मतलब भुल जांदियां, फिर उसनूं सारे संसार दे कम कार कलोलां खुशियां खेडां भुल जांदियां ने। जो मन चित्त न चेते सन सो गाली रब गईयां, मन चित्त भी उहदे जिहड़े मन दे विच इह गल्लां याद ही नहीं सीगियां, सन जो गाली गल्लां रब ने किया, रब किया जो परमात्मा ने उहदे नाल कर दित्ता वह उसदे याद ही नहीं सीगा। भाव जिहड़ा बगला है दरिया कंडे बैठा सी, कलोलां कर रहा सी, खुशी दे विच मस्तियां कर रहा सी, उसनूं परमात्मा दे भेजे हुए यमदूतां ने झपट के ख़त्म कर दिता, तो फिर उसनूं सारियां खेडां विसर गईयां, तो उसके मन दे विच जिहड़ियां गल्लां याद नहीं सीगियां वह परमात्मा ने उहदे नाल कर दित्तियां। तो यह श्लोक आदि ग्रंथ के पन्ना नंबर 1383 दर्ज हैगा। तो इस श्लोक के फिर शेख फरीद जी ने दस्या है कि जिहड़ा संसार के उत्ते मनुख दा आउणा अते जाणा पहला ही निश्चित हुंदा हैगा, ते जीव इस चीज़ नूं भुल जांदा हैगा, ते फिर वह फिर अचानक इस संसार तो तुर जांदा है, उसनूं याद ही नहीं हुंदा कि मौत आउणी हैगी आ। उम्मीद करती हैगी आ तुहानूं इस श्लोकां दे अर्थ चंगी तरह समझ लग गए होणगे। तो जेकर वीडियो चंगी लगे तो लाइक अते कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के नाल वध तो वध शेयर करना। जेकर इस चैनल पर नवे आए हैगे हो तां प्लेलिस्ट जरूर वाचना, तो उसते जिहड़ा है ग्रामर वाला भाग हरेक लई लाभदायक है, चाहे बच्चा नौवीं दा दसवीं दा नौवीं तो लैके कॉलेज लैवल की जिहड़ी व्याकरण है इस चैनल के उत्ते पाई गई हैगी आ, तां तुसीं उस दे विच्चों कुछ भी अपने मतलब दा लभ सकदे हैगे हो। तो जेकर वीडियो तुहाडी पढ़ाई दे लिहाज दे नाल 1% भी लाभदायक होई तां इस चैनल नूं सबसक्राइब करियो, ते सबसक्राइब करते समय प्रैस जिहड़ा बैल आइकन जरूर प्रैस करियो तां कि तुहानूं डेली पाई जाण वाली वीडियो की नोटिफिकेशन नालों नाल मिलती रहे। फिर मिलते हैगे आ किसी अगली लाभदायक वीडियो दे नाल, तद तक दे लई बहुत बहुत धन्यवाद।